क्षेत्र के पालक और संरक्षक कहने जाने वाले क्षेत्रपाल मंदिर के आज प्रांगण में हम हैं और इसके इतिहास को लेकर, इसकी महत्ता को लेकर हम आज आपको बताएंगे। भैरव के रूप में भगवान क्षेत्रपाल को माना जाता है। मौरन नदी के तट पर खड़गदा गांव में ये मंदिर स्थित है। न सिर्फ ये जन आस्थाओं का केंद्र है बल्कि डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े मंदिरों में ये शुमार है। हम अभी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं और ये पूरा एक मंदिर का मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है। हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर जाएंगे और मंदिर की जो प्रसिद्धि है, मंदिर की जो ख्याति है, उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। खड़गदा गांव के ही निवासी ब्रह्म ऋषि स्वर्गीय नाथुदादा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है और कहा जाता है कि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए जब वो घर से निकलते थे तो जब तक मंदिर जीर्णोद्धार के लिए कुछ राशि नहीं मिल जाती तब तक वो अपना भोजन भी नहीं करते थे। और इसी परिकल्पना, इसी श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बहुत बड़े मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थापना कर दी। क्षेत्र के पालक और रक्षक के रूप में भगवान क्षेत्रपाल को माना जाता है। भगवान क्षेत्रपाल को भैरव का स्वरूप माना जाता है और यहाँ सिर्फ ना सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं। कई प्रकार की यहाँ पर श्रद्धा देखी जाती है। कुछ लोग यहाँ गुड़ का प्रसाद तो कुछ लोग यहाँ खिचड़ी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। खड़गदा के विभिन्न समाज वर्ग बच्चा पैदा होने के बाद, संतान प्राप्ति के बाद यहाँ खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं, जो अभी होली पर ये होना है। होली पर यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। साल भर में यहाँ कई धार्मिक आयोजनों का रेला लगा रहता है। हनुमान जयंती पर यहाँ मेला भी भरता है, हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल वो मेला नहीं भरा गया था। तो हम अभी ये मुख्य द्वार पर हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल है और अब हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर भी जाएंगे। तो मंदिर में मुख्यतः भगवान गणेश भी हैं, शंकर भगवान का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। मुख्य मंदिर भगवान क्षेत्रपाल का है। यहाँ जैन मंदिर भी है। भगवान क्षेत्रपाल को जैन समाज में भी पूजनीय माना गया है। जैन कई जो जैन मंदिर हैं क्षेत्र में, वहाँ भगवान क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं भी हैं। तो इस लिहाज से जो गुजरात और MP के जो जैन समाज के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। तो भैरव की प्रतिमा है, ये भैरव स्वरूप है। यहाँ पर भगवान क्षेत्रपाल मौरन नदी के तट पर विराजित हैं और जो कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खासकर यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। जो जिनको संतान नहीं होती है तो काफ़ी जगह जा आकर जब कहा जाता है कि आप खड़गदा में एक भगवान क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, वहाँ जाकर आप अपनी इच्छा मांगिए संतान के लिए, तो कई किस्से ऐसे हैं जिनकी संतान नहीं हो रही थी, यहाँ आए, उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, उसके बाद भगवान को भेंट अर्पित करते हैं। ऐसी कई कहानियाँ, ऐसे कई किस्से यहाँ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि ये श्रद्धा का तो केंद्र है ही, लेकिन जिले का क्षेत्रफल की दृष्टि माने तो जिले का सबसे बड़े मंदिरों में शुमार है। तो हम चलेंगे मंदिर और मंदिर की जो भगवान क्षेत्रपाल जी की जो प्रतिमा है, मंदिर का जो अंदर से जो स्वरूप है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये भगवान क्षेत्रपाल जी का मुख्य मंदिर है। आप देख सकते हैं कि जो इस पूरे परिसर में मुख्य भगवान भैरव जी क्षेत्रपाल जी का जो मंदिर है वो मुख्य मंदिर ये है। सामने जो आप देख सकते हैं वो शिव जी का मंदिर है और हमारे ठीक सामने गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। तो ये पूरा जो परिसर है, यहाँ साल भर में कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ये खड़गदा में ये स्थित है क्षेत्रपाल जी मंदिर, और खड़गदा तपोभूमि कही जाती है। कई बड़े संतों ने यहाँ कथाएं की हैं, पूज्य मुरारी बापू, संत श्री रमेश भाई ओझा और ऐसे कई जो संत हैं जो खड़गदा की भूमि पर आए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का भी एक दिवसीय आयोजन खड़गदा की इस भूमि पर हो चुका है। तो ये तपोभूमि, इसको तपोभूमि भी कहा जा सकता है। तो अब हम अंदर आएंगे और हम इसकी प्रतिमा को भी देख एक बार दर्शन के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बताएंगे कि भगवान क्षेत्रपाल की
आप देख सकते हैं भैरव रूप में ये भगवान क्षेत्रपाल जी हैं। अभी यहाँ पुजारी भी हैं जो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इस पर ये श्रृंगार के लिए क्या लगाया जाता है? वर्क लगाया जाता है। क्या इसको क्या बोलते हैं? वर्क ही बोलते हैं। तो देखिए वर्क से ये चांदी का वर्क होता है सोने का भी वर्क होता है और किसका होता है? चांदी और सोने का जो वर्क होता है इनका श्रृंगार ये इस तरह के वर्क से किया जाता है। हालांकि पीछे काले पत्थर की प्रतिमा है, पूरी पीछे जो प्रतिमा है आप थोड़ा मैं कहूँगा नजदीक लाएं कि बताएं कि भैरव स्वरूप क्षेत्रपाल भगवान है। पीछे पूरे काले पत्थर की प्रतिमा है, सोने और चांदी के वर्क से कई बार इनका श्रृंगार किया जाता है। आरती कितने टाइम होती है यहाँ पे? एक सुबह 6 बजे और शाम को भी, तो दो टाइम यहाँ आरती भी होती है, एक सुबह भी आरती होती है, एक शाम को भी आरती होती है। नित्य कई प्रकार की पूजा अर्चनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, कई हवन यज्ञ भी होते रहते हैं। भगवान के सामने ही आप देख सकते हैं, ठीक प्रतिमा के ठीक सामने ही हवन कुंड भी है, तो यहाँ पर कई प्रकार के हवन भी होते रहते हैं। और तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो खड़गदा के ही जो ब्रह्म ऋषि नाथू दादा जो मैं आपको कहूँ, तो नाथू दादा ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी प्रयास किए और इस मंदिर को जो भव्यता दी, तो उनके लिए उनके पूरे जीवन में जो ये बहुत बड़ा योगदान जो उनका रहा इस मंदिर की भव्यता को लेकर, उसको हम नमन करें, उनको उनको श्रद्धांजलि दें। तो ये बहुत ही सुखद खड़गदा के क्षेत्रपाल मंदिर प्रांगण में ही हनुमान जी महाराज का मंदिर है। अभी हम जो खड़े हैं ये हनुमान जी का मंदिर है और ठेठ इसके पीछे यदि हम देखें तो पूरा खड़गदा गांव है। आप ये देख सकते हैं पुल है, मोहर नदी है और गोवर्धन विद्या विहार स्कूल है और उसका खेल मैदान है। ये खेल मैदान काफ़ी धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ कई बड़े संतों की, पूज्य मुरारी बापू ने, पूज्य रमेश भाई ओझा ने भी कथा की है, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपना एक दिवसीय यहाँ कार्यक्रम दिया है और कई धार्मिक और सामाजिक आयोजन इस खेल मैदान में भी हुए हैं। तो इसका धार्मिक भी महत्व है और सामाजिक भी इस गांव का बहुत महत्व है। तो आप और इसके ठीक है आप, मैं आप कहूँगा कि ठीक आप ये में ये देखेंगे तो ये ब्रह्म ऋषि नाथू दादा का समाधि स्थल वहाँ पर है, जिन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इस मंदिर के पुनरुद्धार निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उनका समाधि स्थल भी मंदिर के ठीक पास में ही है। ये हाल ही में अभी बाल उद्यान बनाया गया था बच्चों को खेलने के लिए। तो ऐसे कई जो चीज़ें हैं इस मंदिर में हैं, कई प्रकार के शादी के आयोजन, मुंडन संस्कार के आयोजन, इस तरह के धार्मिक आयोजन भी इस मंदिर में होते रहते हैं, क्योंकि इस मंदिर की महत्ता है तो उसे लेकर यहाँ इस प्रकार के आयोजनों को लेकर लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं।